कहानी नंबर 152, क्या पैसा ही सब कुछ है। माइकल जैक्सन 150 साल तक जीना चाहता था। किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने पहनता था। लोगों के बीच में जाने से पहले मुंह पर मास्क लगाता था। अपनी देखरेख करने के लिए उसने अपने घर पर 12 डॉक्टर्स नियुक्त किए हुए थे, जो उसके सर से लेकर पांव के नाखून तक की जांच प्रतिदिन किया करते थे। उसका खाना लैबोरेटरी में चेक होने के बाद उसे खिलाया जाता था। स्वयं को व्यायाम करवाने के लिए उसने 15 लोगों को रखा हुआ था। माइकल जैक्सन अश्वेत था। उसने 1987 में प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी त्वचा को गोरा बनवा लिया था। अपने काले माँ बाप और काले दोस्तों को भी छोड़ दिया। गोरा होने के बाद उसने गोरे माँ बाप को किराए पर लिया और अपने दोस्त भी गोरे बनाए। शादी भी गोरी औरतों के साथ की। नवंबर 15 को माइकल ने अपनी नर्स डेबी रो से विवाह किया। उसके जीवन का बस एक ही लक्ष्य था कि वह 150 साल तक जीवित रहे। इसके लिए वह हमेशा ऑक्सीजन वाले बेड पर सोता था। उसने अपने लिए अंगदान करने वाले डोनर भी तैयार कर रखे थे, जिन्हें वह खर्च देता था, ताकि समय आने पर उसे किडनी, फेफड़े, आँख या किसी भी शरीर के अन्य अंग की जरूरत पड़ने पर वह आकर दे दे। उसको लगता था कि वह पैसे और अपनी प्रसिद्धि के बदौलत मौत को भी चकमा दे सकता है, लेकिन वह गलत साबित हुआ। 25 जून 2009 को उसके दिल की धड़कन रुकने लगी। उसके घर पर 12 डॉक्टर की मौजूदगी में हालत काबू में नहीं आए। सारे शहर के डॉक्टर उसके घर पर जमा हो गए, लेकिन वह उसे नहीं बचा पाए। उसने 25 साल तक डॉक्टर की सलाह के विपरीत कुछ नहीं खाया। अंत समय में उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। 50 साल तक आते आते वह पतन के करीब ही पहुंच गया था और 25 जून 2009 को वह इस दुनिया से चला गया। जिसने अपने लिए 150 साल जीने का इंतजाम कर रखा था, उसका इंतजाम धरा का धरा रह गया। जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर्स ने बताया कि उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसका सिर गंजा था। उसकी पसलियां, कंधे, हड्डियां टूट चुके थे। उसके शरीर पर अनगिनत सुई के निशान थे। प्लास्टिक सर्जरी के कारण होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए एंटीबायोटिक वाले दर्जनों इंजेक्शन उसे दिन में लेने पड़ते थे। क्या आपको पता है, माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा को 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा था। यह अब तक की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली लाइव ब्रॉडकास्ट है। माइकल जैक्सन की मृत्यु के दिन यानी 25 जून 2009 को दोपहर के 3:15 बजे विकिपीडिया, ट्विटर, इंस्टेंट मैसेंजर, यह सभी क्रैश हो गए थे। उसकी मौत की खबर का पता चलते ही गूगल पर 800,000 लोगों ने माइकल जैक्सन को सर्च किया। ज्यादा सर्च होने के कारण गूगल पर सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम हुआ था और गूगल क्रैश हो गया। 2.5 घंटे तक गूगल काम नहीं कर पाया। मौत को चकमा देने की सोचने वाले हमेशा मौत से ही चकमा खा जाते हैं। सार यही है कि बनावटी दुनिया के बनावटी लोग कुदरती मौत की बजाय बनावटी मौत ही मरते हैं। ऐसे प्रसंगों को जानकर कुछ गंभीर प्रश्न उपस्थित होते हैं, जिनका हम सभी को चिंतन अवश्य करना चाहिए। क्या हम बिल्डर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, कैटर्स और डेकोरेटर्स के लिए कमा रहे हैं? विचार कीजिए, हम बड़े बड़े कीमती मकानों और बेहद खर्चीली शादियों से किसे इम्प्रेस करना चाहते हैं? क्या आपको याद है कि कुछ साल पहले किसी की शादी पर आपने क्या खाया था? जीवन के प्रारंभिक वर्षों में क्या हम पशुओं की तरह काम में जुटे नहीं रहते? कितनी पीढ़ियों के खान पान और लालन पालन की व्यवस्था करनी है हमें? आजकल अधिकांश लोगों के 2 बच्चे हैं, बहुतों का तो सिर्फ 1 ही बच्चा है। तो फिर सोचिए कि हमारी जरूरत कितनी है और हम पाना कितना चाहते हैं। क्या हमारी अगली पीढ़ी कमाने में सक्षम नहीं है, जो हम उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर देना चाहते हैं? क्या हम रोज अपने जीवन से कुछ समय निकाल कर अपनी शांति के लिए, स्वयं के स्वाध्याय के लिए समय नहीं निकाल सकते? हम कमाने के साथ आनंद भी क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? इससे पहले कि आप स्लिप डिस्क के शिकार हो जाएं,
इससे पहले कि कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट को ब्लॉक कर दे। ज्ञान और आनंद प्राप्ति के लिए समय निकालिए। वास्तव में विचार करें तो हम किसी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते, सिर्फ कुछ कागजातों, कुछ दस्तावेजों पर अस्थायी रूप से हमारा नाम लिखा होता है और हमें ऐसा लगता है कि यह जमीन हमारी है। किसी के भी बारे में उसके शानदार कपड़े और बढ़िया कार देखकर ही राय मत बनाइए। इस कहानी का सार यही है कि धनवान होना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ धन संबंधी ही विकल्प करना, सिर्फ धनवान होना गलत है। आइए हम और आप जिंदगी को पकड़ें इससे पहले कि जिंदगी हमें पकड़ ले। आपको ये कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। हमने बहुत मेहनत से और बहुत समय निकाल करके इस कहानी को बनाया। आप थोड़ा सा समय निकाल करके इस कहानी को सभी के साथ शेयर अवश्य करें। आपने ये कहानी अंत तक देखी और अपना बहुमूल्य समय इस कहानी को देखने में लगाया, अतः आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।